नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आ गए हैं अपने टेरेस पर जहां हम गार्डनिंग करते हैं। और आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि दिसंबर के महीने में हम कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं जिन्हें अपने टेरेस पर उगा सकते हैं, पूरी डिटेल में जानेंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। मैं अभय। दोस्तों, जो विंटर वेजिटेबल्स होते हैं, तो विंटर वेजिटेबल्स को हम मोस्टली सितंबर लास्ट से लगाना शुरू कर देते हैं और नवंबर लास्ट तक लगाते हैं, पर कभी कभी हम लेट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम 15 दिसंबर तक विंटर वेजिटेबल्स को लगा सकते हैं। हमारे वेजिटेबल्स अच्छे ग्रो होंगे। बस थोड़ी सी फ़र्क ये पड़ेगी कि जो हमारी फसल होगी, जो फसल मिलेगी हमें, वो थोड़ी लेट मिलेगी। तो आप अभी भी, आपके पास समय है, अगर अभी आप लेट हो चुके हैं, अभी तक आपने विंटर वेजिटेबल्स नहीं लगाए हैं, तो आप 15 दिसंबर तक ये वेजिटेबल्स अपने छत पर, अपने गमलों में लगा सकते हैं। तो इनके लिए आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि अब अगर आप वेजिटेबल्स, विंटर वेजिटेबल्स लगाने जा रहे हैं, तो आपको सीडलिंग से स्टार्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट पौध लगानी है। क्योंकि अब अगर आप सीडलिंग्स लगाएंगे, तो सीडलिंग्स लगाने में, जर्मिनेट होने में एक हफ्ते के आसपास का या उससे भी ज़्यादा टाइम ले सकता है। तो आप सीडलिंग्स ना लगाएं, मार्केट से, नर्सरी से डायरेक्ट पौध ले आएं और उन पौध को गमलों में लगाएं। इससे आपको जनवरी तक हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएगी। तो मैं आपको कुछ पौधे बता देता हूँ जो आप अभी भी अपने ग्रो बैग्स में, गमलों में लगा सकते हैं, जिनमें आप, पहले ये गोभी वर्गीय पौधे जो आप अभी भी गमलों में लगा सकते हैं, लेकिन इनमें आपको ध्यान वही रखना है कि आप सीडलिंग्स ना करें अब, क्योंकि अब अगर आप सीडलिंग्स करेंगे तो फिर आपको फ्रूटिंग नहीं मिल पाएगी। वो फिर जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो गोभी नहीं बन पाती है। तो आप नर्सरी से डायरेक्ट पौध ले आए गोभी की, गांठ गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, सभी प्रकार के गोभी वाले पौधे आप अभी डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा आप टमाटर, हरी मिर्च, बैंगन, ये पौधे भी लगा सकते हैं। टमाटर और बैंगन, ये हरी मिर्च, ये लाइफ टाइम पौधे होते हैं। बस इनको बहुत ज़्यादा गर्मी जब होती है तब, और बहुत ज़्यादा सर्दी जब पड़ रही होती है, तब इनकी ग्रोथ नहीं होती है। अदरवाइज ये सालों साल चलने वाले पौधे हैं, जिनको आप लगा के कभी भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप पत्ते वाली सब्जियां, जैसे कि लहसुन, प्याज, धनिया, पालक, चौलाई, सोया, मेथी, देखिए धनिया मेरे गार्डन में लग रही है और कुछ मैंने अभी भी सीडलिंग करी है। इसके अलावा आप लगा सकते हैं मेथी, मेथी भी आप दिसंबर के महीने में लगा सकते हैं। उसके अलावा आप सोया लगा सकते हैं जो आलू के साथ आप बनाएं, मटर लगा सकते हैं आप पालक लगा सकते हैं। पालक भी आपकी ठंडियों में बहुत अच्छी होती है, तो आप पालक लगाइए, चौलाई लगाइए। ये कुछ सब्जियां हैं पत्तों वाली, जिन्हें कि आप अपने गार्डन में अभी शामिल कर सकते हैं और फुल विंटर सीजन आप इनको हार्वेस्ट करके ऑर्गेनिक वेजिटेबल का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, पालक जो है, वो जो पत्तेदार सब्जियाँ हैं, इनका जो सबसे अच्छा यूज, अच्छी बात है कि ये पौधे आपको महीने भर के अंदर हार्वेस्ट करने को मिल जाते हैं। पालक के पत्ते आपको 20 से 25 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए उपयुक्त मिल जाते हैं, तो आप पालक भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप भिंडी भी लगा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जो भिंडी की सीड्स आप लगाएं, वो विंटर सीजन की ही हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब मार्केट में जाते हैं, भिंडी की सीड्स ले आते हैं, तो वो समर वाले सीड्स होते हैं और उसे हम विंटर में लगाते हैं, तो उसमें फिर पहले तो जर्मिनेशन नहीं आती, और जर्मिनेशन अगर आ भी जाती तो फ्रूटिंग नहीं आ पाती है। फिर हम परेशान होते हैं कि हमने कहाँ कौन सी कमी रह गई हमसे। तो ऐसा नहीं है, आप विंटर सीजन के सीड्स ले आए भिंडी के, वो आप उगाएं, वो भी आपको मिल जाएगी। और अगर आप आलू लगाना चाहते हैं और अभी तक नहीं लगाए हैं आप, तो आलू भी अभी आप लगा सकते हैं। मूली लगाइए। इसके अलावा मूली भी आप किसी भी गमले में अभी भी लगा सकते हैं और मूली आपको भी हार्वेस्ट करने को मिलेगी। मैंने मूली देखी अभी, ये मेरी 8 से 10 दिन की मूली है जो मैंने लगाई हुई है सब,
और अच्छी जर्मिनेशन है इसमें, मुझे फ्रूटिंग भी मूली की अच्छी मिलेगी। तो इस प्रकार दोस्तों, आप अभी भी विंटर सीजन के कुछ वेजिटेबल्स हैं जिन्हें आप लगा सकते हैं। हाँ, दिक्कत तब होती है जब, जैसे मान लीजिए आपने टमाटर लगाया, बैंगन लगाया, अचानक से टेम्परेचर जो हमारा है वो बढ़ जाए। बैंगन जैसे हमारे टमाटर के पौधे अपनी ग्रोथ ले चुके हों, फ्लावरिंग की स्टेज में हों, और उसी टाइम पे टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो पौधे मुरझा जाते हैं, उनके फ्लावर्स झड़ जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रख के चलनी होंगी कि अगर अब आप इनकी टमाटर की पौध या ये गोभी की पौध लगाते हैं और इनकेस जनवरी लास्ट तक जाते जाते आपका टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है, तो आपको उसको बचाने के लिए ग्रीन नेट का सहारा लेना पड़ेगा। तो अगर आपको रीजंस पता होंगे तो आप उस चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को ट्रैकल कर सकते हैं कि कैसे आप अपनी पौध को बचाएं और उनसे फ्रूटिंग लें। हाँ, पर ये गारंटी है कि ये सारे पौधे अगर आप अभी लगा रहे हो तो एक दो पौधे ही खराब होंगे, बाकी सभी से आपको पैदावार मिलेगी। तो दोस्तों, ये कुछ वेजिटेबल्स जो मैं खुद लगा रहा हूँ, कुछ मैंने लगा लिए हैं, कुछ मैं अभी भी लगा रहा हूँ, तो ये वीडियो मैंने सोचा आपको भी आपके साथ साझा की जाए। बहुत क्योंकि बहुत से ऐसे गार्डनर हैं मेरे दोस्त जो लेट हो जाते हैं जानकारी के अभाव में, फिर लगा नहीं पाते हैं, यूज नहीं कर पाते हैं इन चीज़ों को। तो मैंने अपनी कुछ एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ साझा किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो दोस्तों मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और अपना भरपूर प्यार मुझे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।